अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल ज़मीर, ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम जानब से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले क्लास में हमने बात की थी कि वर्डप्रेस को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आई थिंक मेरे ब्राउज़र में कोई मसला था, डाउनलोडिंग नहीं हो रही थी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल थी जिप फाइल में वर्डप्रेस। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये एक डाउनलोड हो जाएगा, तकरीबन 8-9 MB की फ़ाइल होगी। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने ज़ैम को डाउनलोड करना है। ये जो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है ना, तो इस सॉफ्टवेयर को जब डाउनलोड करेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये आपकी PHP की जो फाइल्स होंगी उसको ये रन करेगा ब्राउज़र में, और आपका जो डेटाबेस होगा उसको भी ये उसके साथ कनेक्ट करेगा और रन करेगा। तो ये भी आपने डाउनलोड करना है। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लें तो उसके बाद ये आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है, आपके सामने ये विंडो ओपन आएगी। इसको आपने स्टार्ट करना है ताकि आप PHP को रन कर रहे हैं, और इसको भी आपने स्टार्ट करना है ताकि आपके डेटाबेस को आप रन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर दें। उसके बाद क्या करना है, आपने आपने करना ये है कि आप अपने उस फोल्डर में जाएं जहां आपने जैम को इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैंने ये ईमेल डाउनलोड के इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, उसके बाद जैम के नाम से, अच्छा ये इस किस्म की फाइल आपके सामने आएगी जब आप जैम को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक फोल्डर है, रूट फोल्डर है इसका, एच डॉक्स, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है और ये आपका रूट फोल्डर है, ये आपका रूट फोल्डर है। इसमें आपकी PHP की फाइल्स होंगी, आपकी वर्डप्रेस होगा, आप और जो PHP की जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पर होंगी, ठीक है। उसके बाद करना ये है कि आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद आप इसको, ये फोल्डर आ जाएगा अभी, हाँ ये आ गया, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है एक मुकम्मल फोल्डर को, उसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट, सॉरी ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले वाले वर्डप्रेस को, और नए वर्डप्रेस को मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। क्या मिलेगा, इससे पहले मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, इस फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ टेस्ट के नाम से। इसको मैं अब कट करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ। ये मैंने एच डी डॉक्स के फोल्डर में इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि ये जो फोल्डर होता है ये एक रूट फोल्डर होता है, डायरेक्ट आपकी जो साइट्स होती हैं या फाइल होती हैं ये ओपन होती हैं ब्राउज़र में। तो जैसे आप जैम को डाउनलोड करके उसके बाद आप उसको जब रन करेंगे तो आपने ब्राउज़र में जाकर लिखना है लोकल होस्ट लिखना है, उसके बाद आप एंटर करें। तो जैसे इंटर करेंगे ये इसका जो है ना ये ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने स्लैश लिखनी है लोकल होस्ट के बाद, डैशबोर्ड के साथ नहीं, लोकल होस्ट के बाद आपने यहाँ पर लिखना है टेस्ट, जो अभी आपने फोल्डर यहाँ पर पेस्ट किया है ना वर्डप्रेस का, टेस्ट लिखना है। उसके बाद इंटर करना है, आपके सामने एक पेज ओपन होएगा। आपने, अच्छा ये ओपन हो रहा है, ये कह रहा है कि VP एडमिन सेटअप कॉन्फ़िगरेशन डॉट PHP, अच्छा ये अब हमें कह रहा है कि लैंग्वेज के बारे में कह रहा है, तो हम इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद ये क्योंकि हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये हमें कुछ चीज़ें बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप क्या करें कि हमें जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल डेटाबेस नेम, तो आपने अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आप लोकल होस्ट पर जाएँ, उसके बाद आप यहाँ पर लिखें PHP माई एडमिन पर आप क्लिक करें, इंटर करें, तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होएगा। आप वहाँ पर जाकर आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस यूज़र नेम होता है, डेटाबेस पासवर्ड होता है, डेटाबेस होस्ट होता है, और टेबल उसमें क्योंकि होती हैं और उसकी प्रीफिक्स भी होती हैं। तो ये आपके सामने ये इस तरह का ओपन होएगा, आपने यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेटाबेस का नेम देते हैं, यहाँ पर मैं डेटाबेस का नेम देता हूँ माई टेस्ट भी है, माई वेबसाइट लिखता हूँ, माई वेबसाइट। उसके बाद आप क्रिएट करें, ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। जब आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसका जो बाई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है, पासवर्ड उसका नहीं होता, उसका जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, ठीक है। उसका जो होस्ट होता है, ये कह रहा है ना, उसका होस्ट होता है लोकल होस्ट, और ये हमें मालूम हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, लेट्स गो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखें डेटाबेस नेम जो अभी आपने क्रिएट किया है, माई वेबसाइट के नाम से था, वेबसाइट
उसके बाद यूज़र जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट होता है, ठीक है, लोकल होस्ट में पासवर्ड नहीं होता। ये जो है रूट, इसको आप तब्दील कर सकते हैं, पासवर्ड भी आप तब्दील कर सकते हैं। और ये जो होस्ट है आपका लोकल होस्ट होता है, ये वीपी इसको ऐसे रहने दें, अगर आप इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो आपकी टेबल बनती है उसकी ये प्रीफिक्स की बात कर रहा है, इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद वो कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, इसको रन कर दें। उसके बाद एक और ओपन होगी विंडो, और यहाँ पर ये कह रहे हैं आपकी जो साइट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम, और यहाँ पर मैं अपना नेम दे देता हूँ फैसल ज़मीर। उसके बाद ये पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड यही भी रहने दें, पासवर्ड चेंज करता हूँ। सॉरी भाई, क्या हो रहा है? अच्छा, फैसल ज़मीर पासवर्ड में दे देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि वीक है, तो मैं कहता हूँ रहने दो इसको वीक। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना ईमेल देता हूँ, ये लोकल होस्ट की बात हो रही है भाई। अच्छा, डिस्करेज नहीं करता इसको, इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ये जो है ना फाइल्स, ये लोडिंग लेगा, कोई टाइम लेगा, क्योंकि ये फाइल जो है ना आपकी इसमें वो कर रहा है ना, वर्क कर रहा है, इंस्टॉल हो रही है, तो ये कुछ टाइम लेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो मैं अब इंस्टॉल कर रहा हूँ लोकल होस्ट में, आप ऑनलाइन भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मेरी साइट है ना ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम, तो ये ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम ये ऑनलाइन साइट है, और इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल है। और इस तरह जब आप ऑनलाइन इंटरनेट पर आप जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है डोमेन नेम की ज़रूरत होती है, और उसके बाद एक हॉस्टिंग ज़रूरत होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास हों तो फिर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो इंस्टॉल कर रहा हूँ वो लोकल होस्ट पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसके लिए डोमेन नेम की ज़रूरत नहीं होती, और उसकी जो हॉस्टिंग होती है वो आपका जो सिस्टम होता है उसकी हॉस्टिंग वो यूज़ हो रही होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि सक्सेस हो गया है, आप इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं वही पासवर्ड दूंगा, वही वो दूंगा फैसल ज़मीर, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करता हूँ, वो कह रहा है कि ये एरर है, आई थिंक क्या एरर है, ये इसने पासवर्ड को पिक कर लिया है। उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं, ये आपका डैशबोर्ड है। और यहाँ पर कुछ वेलकम मैसेजेस हैं, और कुछ और मैसेजेस हैं, पोस्ट्स कितनी हुई हैं, एक्टिविटी किया है, न्यूज़ हैं, इसमें क्विक आप ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, ये पोस्ट है, मीडिया पेजेस हैं, इनको एक एक मैं आपको डिस्कस करूँगा इस पर। और ये था कि आप कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल होस्ट में। तो अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये मेरे नंबर से, और ईमेल भी मुझे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो ये था कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल होस्ट में। तो नेक्स्ट हम आएंगे तो हम बात करेंगे कि डैशबोर्ड की जो जितनी भी जो है ना लिंक्स हैं, ठीक है, इन पर हम बात करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे फास्ट पोस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हम इसको कोर्स को आगे ले कर जाएंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग दोस्तों।